दोस्तों, आज हम सीखेंगे पॉलिसी बाजार पीवी पार्टनर पोर्टल से कार इंश्योरेंस का कोटेशन कैसे निकालें। तो कार इंश्योरेंस का कोटेशन निकालने के लिए आपको कस्टमर की आरसी की कॉपी चाहिए होगी, कस्टमर की पॉलिसी के पेपर्स चाहिए होंगे, और कस्टमर से हमें ये भी पूछना है कि उसने प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी में कोई क्लेम लिया है या नहीं लिया है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं या हम कस्टमर से ऑलरेडी डिमांड कर चुके हैं, तो अभी हमें यहाँ पर सेल नाउ ऑप्शन पे जाना है और उसके बाद हमें यहाँ पर कार सेलेक्ट करना है। कार सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर कार सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर हमें कस्टमर का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है गाड़ी का। ठीक है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पर डालते हैं DL2CAY9356 9356। एच पर आरसी हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। व्यू प्राइसेस पे जाना है, उसके बाद हमें यहाँ पर दिख रहा होगा कि कार जो है वो कौन से ब्रांड की कार है, तो कार ब्रांड देखने के लिए हमें आरसी पे जाना है। आरसी पे हमारी कार ब्रांड है मारुति, तो मारुति यहाँ पर हमें दिख रही है, हमने मारुति पे क्लिक किया। उसके बाद कार का मॉडल है, कार का मॉडल कौन सा है, मॉडल है वलेनो, वलेनो मॉडल को यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद कार का फ्यूल, फ्यूल कौन सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूल है हमारा पेट्रोल, तो हमने पेट्रोल यहाँ पर डाला। ठीक है, उसके बाद कार का वेरिएंट देखना है, कार का वेरिएंट है डेल्टा, डेल्टा वेरिएंट है, और उसके बाद इसकी क्यूबिक कैपेसिटी है 1197, जिसको हम सीसी भी बोलते हैं शॉर्ट में। डेल्टा का वेरिएंट है डेल्टा 80 1197, हमने यहाँ पर वेरिएंट डाल दिया। उसके बाद अब ये पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन ईयर कौन सा है, तो रजिस्ट्रेशन ईयर आप देख सकते हैं 28 जून 2018 है, तो 2018 हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि कस्टमर का नाम यहाँ पर डालना है, कस्टमर का नाम क्या है आरसी पे, विकास ओझा, तो हमने विकास ओझा यहाँ पर मेंशन किया। ठीक है, विकास ओझा डाला। उसके बाद कस्टमर का मेल आईडी डालना है, जो हमने यहाँ पर डाल दी कस्टमर की मेल आईडी। अब कस्टमर का मोबाइल नंबर हमें डालना है, तो मोबाइल नंबर में हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया कस्टमर का। फिर वापस से हमें व्यू प्राइसेस पे जाना है, व्यू प्राइस पे गए तो हमसे ये पूछेगा कि आपकी पॉलिसी कौन सी डेट को एक्सपायर होने वाली है। पॉलिसी एक्सपायरी डेट है 27 या 28 जून, 28 जून सेलेक्ट किया। कोई क्लेम हमने प्रीवियस पॉलिसी में नहीं लिया था, तो हमने यहाँ पर नो कर दिया। अब यहाँ पर हमारे सामने कोटेशन निकल के सामने आ जाएगी, आप देख सकते हैं कोटेशन जो है वो किस किस कंपनीज में आ रही है। ओरिएंटल आ रहा है, आपका कोटक आ रहा है, आईसीआईसी लोम्बार्ड आ रहा है, द न्यू इंडिया आ रहा है, जनरल इंश्योरेंस में रिलायंस आ रहा है, इसके अलावा डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं बजाज भी आ रही है इसके अंदर, और उसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे आपका कोटेशंस आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट योर आईडीबी। कस्टमर यहाँ से अपनी आईडीबी खुद से भी सेलेक्ट कर सकता है, जो भी आईडीबी उसको चाहिए। ठीक है, कंपनी जो रिकमेंड कर रही है वो 3,24,071 की आईडीबी यहाँ पे रिकमेंड कर रही है, जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप सेकेंड कॉलम में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल प्लान, ऑल प्लान का मतलब है इसमें सारे प्लान हमें दिखेंगे, इसमें हमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव भी दिख रहा है और फर्स्ट पार्टी भी दिख रहा है। ठीक है, तो हमें जनरली कभी भी कोई भी पॉलिसी बनाना है तो एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि हमें ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज की पॉलिसी बनानी है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कंपनीज, क्योंकि उसका जो प्रीमियम होता है वो सस्ता ज़रूर होता है, लेकिन उसमें हमारे पे आउट जो होते हैं वो कम आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑल प्लान्स में, ऑल प्लान्स में हम कस्टमर को कौन सा प्लान देना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस देना चाहते हैं या थर्ड पार्टी देना चाहते हैं, जो भी हम देना चाहते हैं जिसकी कोटेशन निकालनी है उस ऑप्शन को यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी हमने कॉम्प्रिहेंसिव सेलेक्ट किया, कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर ये ऑप्शन हमारे पास खुल के आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर कस्टमर बोलता है कि मुझे एडोन बेनिफिट्स भी चाहिए, तो एडोन बेनिफिट्स में कस्टमर कई बार बोलता है, आपने सुना होगा जीरो डेप बेनिफिट्स, ठीक है, तो जीरो डैप हमें क्लिक करना है। रोड आपका 24x7 रोड साइड इंजन प्रोटेक्शन चाहिए, एनसीबी प्रोटेक्टर, की एंड लॉक रिप्लेसमेंट, कंज्यूमेबल, डेली अलाउंस, इनवॉइस प्राइस, टायर प्रोटेक्टर, रिम डैमेज कवर, लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको कस्टमर को देना है, जो भी ऑप्शन देना है उस पर हमें टिक करना है। ठीक है, उसके बाद एडिशनल कवर एसेसरीज में हम देखते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि कस्टमर की जो गाड़ी है वो पेट्रोल या डीजल की है, लेकिन वो अपनी गाड़ी के अंदर सीएनजी जो किट है वो एक्सटर्नल फिट कराते हैं,
तो वो हम यहाँ पर उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करती है कंपनी। अगर ऐसी कोई भी गाड़ी है तो उसको हमें ज़रूर सेलेक्ट करना है। इसके अलावा एडिशनल कवर में पेड ड्राइवर कवर है, पेड ऑनर कवर है, और इसके अलावा पैसेंजर्स का भी कवर है। तो जो भी हमें यहाँ पर देना है, अगर हम मान के चलिए यहाँ पर ड्राइवर का कवर करते हैं, तो जैसे आपने देखा है यहाँ पर अभी प्रीमियम आ रहा है डिजिट का 6,149 रुपये। अगर हम इसमें से कोई भी बेनिफिट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। देखिए प्रीमियम आपका यहाँ पर इंक्रीज हो गया, 6,208 रुपये हो गया। अगर हम इसके साथ साथ अननेम्ड पैसेंजर का भी कवर करते हैं, पैसेंजर के लिए यहाँ पे ऑप्शन मांगता है कि पैसेंजर का जो इंश्योरेंस कवर है या जो पीए कवर है वो आपको 1 लाख रुपये रखना है या 2 लाख रखना है। अगर हम 1 लाख रखेंगे तो प्रीमियम थोड़ा कम होगा, अगर 2 लाख रखेंगे तो प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। पैसेंजर कवर में अगर हमने किया तो 6,503 रुपये का प्रीमियम हो गया। अगर 2 लाख रुपये का पैसेंजर कवर करते हैं तो प्रीमियम थोड़ा और बढ़ जाता है, यहाँ पर 6,798 रुपये हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे जैसे कि आपका थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी में सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पार्टी के जो भी कोटेशंस हैं वो हमारे यहाँ पे निकल के सामने आ गए, जिसमें हमने ऑलरेडी पे ड्राइवर कवर रखा था और अननेम्ड पैसेंजर पीए कवर रखा था। अगर हम इन दोनों ऑप्शंस को यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो हमारा प्रीमियम और सस्ता हो जाएगा। प्रीमियम सस्ता हो गया, हमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी कवर मिला जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा पॉलिसी बाजार से कार इंश्योरेंस का कोटेशन कैसे निकालें, इसकी पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूँगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए। थैंक यू।